स्वावलंबन शब्द सार साहित्यिक प्रकोष्ठ स्वावलंबन ट्रस्ट के उत्तर प्रदेश प्रांत द्वारा ऑनलाइन एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 18 रचनाकारों की विभिन्न विषयों पर रचनाओं ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इस गोष्ठी का शुभारंभ स्वावलंबन शब्द सार की राष्ट्रीय संयोजिका परिणीता सिन्हा ने दीप प्रज्वलित करके किया। सीमा सिंह प्रांत संयोजिका उत्तर प्रदेश ने मधुर कंठ से माँ शारदे का वंदन गान किया। राष्ट्रीय सह संयोजिका भावना सक्सेना ने अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रेणु भाटिया, प्रदेश सचिव भारतीय जनता पार्टी और कार्यक्रम अध्यक्ष राजेंद्र निगम राज संस्थापक परंपरा रहे। उन्होंने अपनी गजलों से कार्यक्रम में ऐसा समा बांधा कि श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। स्वावलंबन ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष मेघना श्रीवास्तव और महामंत्री राघवेंद्र की विशेष उपस्थिति रही। उन्होंने स्वावलंबन ट्रस्ट की विभिन्न गतिविधियों के बारे में सबको अवगत कराते हुए स्वावलंबन ट्रस्ट की साहित्यिक शाखा की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वावलंबन शब्द सार पूरी निरंतरता के साथ साहित्य जगत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। कार्यक्रम के अध्यक्षीय संबोधन में राजेंद्र निगम राज ने सभी के काव्य पाठ की सराहना की और स्वावलंबन शब्द सार परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर शकुंतला मित्तल, ऋचा सिन्हा, दर्शनी प्रिया, मोना सहाय, सीमा सिंह, निवेदिता सिन्हा, श्रुतकृति अग्रवाल, चंचल ढीगरा, आशिका श्रीवास्तव, स्वीटी सिंघल सखी, रीना सिन्हा, शशिकांत श्रीवास्तव, पूनम श्रीवास्तव, प्रतिभा दुबे इत्यादि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम का सुचारू संचालन उत्तर प्रदेश प्रांत संयोजिका सीमा सिंह, जो कि स्वयं एक योगाचार्य हैं, और सह संयोजिका डॉक्टर मोना साहे, जो मैनेजमेंट कॉलेज की प्राध्यापिका हैं, ने किया। गोष्ठी के अंत में राष्ट्रीय संयोजिका परिणीता सिन्हा ने स्वावलंबन शब्द सार के मूल उद्देश्य को बताया कि वे कैसे संस्था के सदस्यों को साहित्य जगत में स्थापित करने में योगदान दे रही हैं। कुतुब मेल के लिए आरिफ जमाल, दिल्ली। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।